अपने सारे भाइयों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरे भाइयों, मैं जगजीत सिंह उत्तराखंड से, ऋषिकेश उत्तराखंड से, आप लोगों से मैं एक पंजाब के विषय की बात करना चाहूँगा, जो पंजाब में उस शख्स की बात करना चाहूँगा जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक ऐसे शख्स भी हैं वहाँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब के चौथे नंबर के IPS ऑफिसर रह चुके हैं, चौथे नंबर के सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जो संगरूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो इंसानियत पसंद, इंसाफ पसंद करती है। उस शख्सियत की मैं कुछ बात आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, जो मेरे खुद के साथ भी बीती है। वो शख्स ऐसा शख्स है जो बिना पावर के भी आप लोगों की सपोर्ट में खड़ा होता है, चाहे मामला कश्मीर का हो, चाहे मामला हरियाणा का हो, चाहे मामला उत्तराखंड का हो, चाहे मामला पंजाब का हो। इस चीज़ से आप भली बात ही जानकर हैं कि मान साहब किस कदर इंसानियत की भलाई करते हैं। पंजाब में इलेक्शन संगरूर से लड़ा जा रहा है और पंजाब की कुछ पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगा कि पंजाब का काफ़ी समय से माहौल ख़राब चल रहा था, किस कारण चल रहा था। शांतमय तरीके से धरना दे रहे लोगों पे गोलियां कि इन्होंने चलाई, शक की सुई किसकी तरफ घूम रही है आप भली बात ही जानते हैं। गिरफ्तारियां भी अब हो रही हैं, उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, कुछ अच्छे पार्टी लीडर्स, उनको अच्छे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब की कुछ जनता के लिए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लीडर उसमें इन्वॉल्व हैं, आप सब अच्छी तरीके से जान सकते हैं। पंजाब में पवित्र गुटखा साहब की कसम खाकर मुकरने वाले कौन लोग हैं, कुछ ही दिनों में नशा ख़त्म करने की बात करने वाले कौन लोग हैं, आप सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। आप सब लोगों ने उनको मौका दिया, राजनीति करने का मौका दिया, राज करने का मौका दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया। उनके दौर में दंगे चलते हैं, नशाखोरी चलती है, बलात्कार होते हैं, गोलीकांड होते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। एक मान साहब ऐसी शख्सियत हैं, सिमरनजीत सिंह मान साहब, जो बिना पावर के हमेशा इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, इंसाफ पसंद करते हैं बिना पावर में रहते हुए भी। पंजाब के माहौल में आप खुद ही देख लीजिए, बरगाड़ी में मोर्चा लगा था, वो कौन सी पार्टी का लीडर था जिसने अपने वर्करों को उस मोर्चे में जाने के लिए मना किया। एक शांतमय इंसाफ पसंद जो लोग मोर्चे पर बैठे थे, उन लोगों के पास जाने के लिए मना किया, लेकिन कुछ लीडर बागी होकर फिर भी पहुँचे, क्योंकि उनको पता था कि ये मोर्चा पंजाब की भलाई के लिए है। तो अब आपको सिर्फ मैं हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहूँगा कि जो संगरूर से मान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिमरनजीत सिंह मान, उनको वोटिंग द्वारा उनका आप साथ दीजिए, ताकि उनको पावर मिले, कलम की पावर मिले, और वो आप लोगों की भलाई करते रहें। उनको लालच किसी चीज़ का नहीं है, अगर लालच है तो आप लोगों की भलाई करने का, इंसानियत की सेवा करने का। अब मैं आपको उत्तराखंड की बात बताना चाहूँगा। अगर उत्तराखंड में पंजाब पुलिस आती है और एक शख्स को गिरफ्तार करके लेके जाती है, वो शख्स मैं हूँ, जगजीत सिंह जग्गा। एक झूठा केस मेरे पे बनाया जाता है 302 का, जबकि बारे में मान साहब को जैसी जानकारी मिलती है, मान साहब ने अपनी टीम को भेजा जाके पता करो क्या मामला है। उस मामले में जब टीम ने जांच करी तो उसमें मैं निर्दोष था बिल्कुल ही, लेकिन पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती मुझे रिमांड पे लिया जा रहा था, ज़बरदस्ती मेरे से मनवाया जा रहा था कि तुमने ये कांड किया है। लेकिन जब माननीय जज ने देखा कि ये लड़का इस चीज़ में निर्दोष है, कुछ मान साहब ने सपोर्ट करी, उनकी सपोर्ट के कारण आज मैं बाहर हूँ, मैं उस केस में से बाइज्जत बरी हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष था। तो ये सेवाएँ मान साहब सिर्फ पंजाब में नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हर एक स्टेट में जाकर करते हैं। उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने एक टीम रेडी की है जो उत्तराखंड के हर एक मसले को सुनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखों के मसले सुने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी मसला हो, हर एक मसले पे बड़े गौर करते हैं, बड़े तरीके से सुना जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके मान साहब को विजय बनाएं। धन्यवाद।